नमस्कार साथियों, सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के अध्याय 2 के संपूर्ण विचारों के बारे में। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता, ये औरत के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले दोस्त विष की घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कई ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देना चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य ही नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीब एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है, तथा एक शुद्ध का बल उसकी सेवा प्रणयता में है। वैश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए, एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात आपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है, एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है।